हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हम सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे वो है दिहाड़ी मजदूर, जो अपने शहर अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में आते हैं। पर लॉकडाउन के दौरान सभी कामों के बंद होने के कारण उनकी मजदूरी भी बंद हो चुकी है। उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, राशन पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वैसे तो सरकार ने सभी के लिए राशन को मुफ्त कर दिया है, जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें भी, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन सभी को राशन की उपलब्धि हो पा रही है। इसके बावजूद भी दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि उन्हें अपने घर जाने की इजाजत दी जाए, मगर लॉकडाउन के दिशा निर्देश को पालन करते हुए सरकार को उनकी मदद करनी है। कोरोना वायरस संकट और उसके फैलने को रोकने के लिए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंगलवार देर रात अपने ट्वीट में कहा, सीएम उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने विशेष ट्रेनों की अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक घर लौट सके। उन्होंने प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय से मांग की है कि इस बारे में दिशा निर्देश अप्रैल के अंत तक जारी किए जाए। बता दें कि पिछले दिनों लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बीच घर जाने की आस में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एकत्र हो गए थे। इसे बाद में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद वो सभी वहाँ से हटे। प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि उन्हें अपने घर लौटने की इजाजत दी जाए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को आश्वस्त किया कि लॉकडाउन कोई लॉकअप नहीं है। अपने गृह क्षेत्र जाने की उम्मीद में बांद्रा में इकट्ठा हुए दिहाड़ी मजदूरों से उन्होंने वापस लौटकर कोरोना की चुनौती का सामना करने की अपील की थी। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ कोरोना से संक्रमित की कुल संख्या 5000 के पार पहुँच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5218 हो गई है, जिसमें 251 लोगों की अब तक मौत हो गई है, जबकि 722 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 640 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो हमें जरूर कमेंट करें। साथ ही खेल जगत, बॉलीवुड जगत, राजनीति जगत और दुनियादारी से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।